गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रकार। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि मौलिक अधिकार, भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम देखेंगे कि कितने या किस किस प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान जो पहला मौलिक अधिकार देता है वह है समानता का अधिकार। पहली समानता विधि के समक्ष समता है, अर्थात अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के सम्मुख समानता का अधिकार देता है, या कानून किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समानता के अधिकार के अंदर न केवल विधि के समक्ष समता है, अर्थात कानून को के द्वारा सभी को समान संरक्षण प्रदान किया गया है, इसके साथ ही धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 इस प्रकार की व्यवस्था करता है। और दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर हम किसी को भी रोक नहीं सकते हैं। सार्वजनिक कुआ, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों आदि के प्रयोग में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यद्यपि स्त्रियों, बच्चों, पिछड़े वर्ग के नागरिकों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रबंध की व्यवस्था की गई है और इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना गया है। इसके साथ ही साथ में लोक नियोजन के विषय में भी अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य सेवा में नियुक्ति में नागरिकों के अवसर की समानता प्रदान होगी। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म आदि के आधार पर किसी भी नागरिक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। तो लोक नियोजन के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगी। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा न केवल अस्पृश्यता का अंत किया गया है बल्कि ऐसे किसी व्यवहार को दंडनीय अपराध माना है। इस अधिकार का भारतीय समाज में इसलिए महत्व है कि अस्पृश्यता का कलंक वर्षों तक हमारे समाज को कलुषित करता रहा है। छुआछूत की भावना ने समाज के वर्गों को बांट दिया है। मानवीय जीवन की सुविधा से कुछ लोगों को वंचित किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। इसलिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि समानता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। नागरिकों के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त किसी और प्रकार की उपाधि राज्य के द्वारा वितरण का निषेध किया गया है। भारतीय नागरिकों को विदेशी उपाधि ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि भारत में कोई नागरिक लाभ के पद पर है, वह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भेंट, उपलब्धि या पद भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री की जैसी उपाधियों की आलोचना की जाती रही है। इसके साथ ही साथ दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहली स्वतंत्रता भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी गई है और अनुच्छेद 19 के आधार पर द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति, चाहे वे मौखिक हो या लिखित हो, प्रदान की जाती है और
प्रत्येक नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। पुस्तकें, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के माध्यम से भी विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात अनुच्छेद 19 के ख के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए इस स्वतंत्रता को यद्यपि सीमित किया जा सकता है। अगली स्वतंत्रता समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। नागरिकों को समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पर षड्यंत्रकारी या विध्वंस के लक्ष्य से बनाए गए समुदाय या संघ पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों को भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 घ के अनुसार वे बिना किसी प्रतिबंध या अधिकार पत्र के संपूर्ण देश में भ्रमण कर सकते हैं, यद्यपि जन समुदाय के हित, अनुसूचित जाति या जनजाति के हित में इस स्वतंत्रता पर उचित मर्यादाएं भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर स्थायी या अस्थायी तौर पर बसने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी भाग में प्रदान की जाती है। यह स्वतंत्रता भी सार्वजनिक हित में प्रतिबंधित की जा सकती है। इसके साथ ही साथ में अनुच्छेद 19(6) वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व्यवसाय या व्यापार या आजीविका चुनने का अधिकार रखते हैं। राज्य के लिए किसी विशेष व्यवसाय हेतु आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं। राज्य किसी कारोबार या उद्योग को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से जनहित में अपने हाथों में ले सकता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अपराधों में गिरफ्तार के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 के द्वारा संरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य को कार्योत्तर विधि के निर्माण के लिए मनाई की गई है। किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब वह किसी कानून का उल्लंघन करता हो अथवा किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने का के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदान किया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की सुरक्षा प्रदान की गई है। आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा न केवल नागरिकों को समानता या विविध प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उन्हें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को से बेगार या जबरदस्ती या श्रम नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 23 इसका निषेध करता है। केवल इतना ही नहीं, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का भी निषेध करता है। अर्थात
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों व अन्य खतरनाक स्थलों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। गरीबी या अशिक्षा के कारण बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। घरेलू बाल श्रमिकों की संख्या पर भी नियंत्रण लगाया गया है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहली अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का अनुसरण करने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सिखों को कृपाण रखने की अनुमति इस व्यवस्था के अनुसार दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप में उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 26 के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी धार्मिक संप्रदाय की चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व पर प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों में छूट प्रदान करता है, अर्थात व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं। धार्मिक संप्रदाय या पोषण में व्यय की जाने वाली विशेष राशि के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही अनुच्छेद 28 के द्वारा है। व्यक्ति स्वेच्छा से यदि कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। जोर जबरदस्ती से किसी को भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। नागरिकों को जो पांचवा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वह संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नागरिकों को अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों व प्रत्येक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है। राज्य द्वारा संचालित या राज्य वित्त पोषित शिक्षा संस्थाओं में नागरिकों को धर्म, जाति, वंश तथा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अनुच्छेद 30 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के द्वारा जो छठा मौलिक अधिकार दिया है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अधिकार का संविधान में विशेष रूप से महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। इस अधिकार के अंतर्गत जो पहला अधिकार दिया है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अनुभव करता है कि उसे बिना वजह बंदी बनाया गया है तो उसकी प्रार्थना पर न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि वह निश्चित समय या स्थान पर उस व्यक्ति को उपस्थित करे ताकि बंदी बनाए जाने वाले कारणों पर विचार किया जा सके। यदि न्यायालय बंदी की प्रार्थना को सही मानता है तो उसे तुरंत रिहा या स्वतंत्रता का आदेश प्रदान कर देता है।